इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, उसके पहले तो ये दुनिया। अनपढ़ सरकार है, उसका क्या नारा है? घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ने जाए। आम आदमी से मन की बात और अपने भाई से धन की बात। बाहरे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। 15 से 2023 तक 8 साल में 390 किलोमीटर। हैं जी, प्रभु सब कुछ आप ही की कृपा है। ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये धरती, सब कुछ आप ही की। इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, उसके पहले तो ये दुनिया। हम लोग जो भी काम करते हैं उनका नाम लेके शुरू करते हैं, उन्हीं का नाम लेके, तो सब कुछ आप ही की कृपा है। सबसे पहले मैं आप ही सबको नमन करता हूं। से लेके 2015 तक 17 साल में 143 मेट्रो स्टेशन बने और पिछले 8 साल में 286 स्टेशन बने मेट्रो। आप ही सब आप ही की कृपा है सर। एलजी साहब, मोदी साहब, आप ही की कृपा है जी। मैं तो कह रहा हूं प्रभु आपके अध्यक्ष महोदय, अभी तक एमसीडी में इनकी सरकार थी, मैंने पूरा प्लान अभी स्टडी किया एमसीडी में, हमारी सरकार आने के बाद इनके हिसाब से चलते तो 197 साल लगते इन 3 कोड़ों के पहाड़ ठीक करने में। 197 साल। आज मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि दिसंबर 2024 तक तीनों कूड़े के पहाड़। इनके टाइम में दिल्ली को जो स्वच्छता एक वो आता है सर, इंडेक्स क्या होता है वो, स्वच्छता सर्वेक्षण, दिल्ली यही कराते हैं। दिल्ली को स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे निचले, सबसे गंदा शहर, सबसे डर्टी सिटी का दर्जा मिलता था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आज के अगले कुछ सालों के अंदर दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा, इंदौर को पीछे छोड़ देंगे, इंदौर को पीछे। एमसीडी के स्कूल और अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, अब उसको ठीक करना चालू करेंगे जैसे हमने दिल्ली के स्कूल और अस्पताल ठीक कर दिए। महिला मोहल्ला क्लिनिक इस बार 100 और बनाने जा रहे हैं, मेट्रो के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। उससे फायदा ये होगा, लोग सवेरे सवेरे जाते हैं, शाम को आते हैं, तो स्पेशली नहीं जाना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारी है, दवाई लेनी है, टेस्ट कराना है, वहीं मेट्रो में मोहल्ला क्लिनिक होगा तो वहाँ अपना वो करा लेंगे। पानी के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं जी। हमारा मकसद है कि 24 घंटे साफ पानी टूटी से आना चाहिए। इसके लिए अभी 1000 MGD पानी दिल्ली में रोज बनता है। हमारा टारगेट है 2025 तक 1240 MGD पानी हम दिल्ली के अंदर अपना प्रोडक्शन करेंगे। इसके लिए मैं एक एक हफ्ते, हर हफ्ते मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ पूरे दिल्ली के अंदर। अगले 3-4 महीने के अंदर हर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, हर प्राइमरी UGR पे, हर सेकेंडरी UGR पे और हर टैपिंग पे वाटर फ्लो मीटर लग जाएगा और हमें एग्जैक्टली पता होगा, वो डैशबोर्ड पे आएगा डेली हमारे पास, हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना पानी गया और कितना पानी चोरी हुआ, कहाँ चोरी हुआ, कहाँ पानी की लीकेज हो रही है। तो अध्यक्ष महोदय, ये एक पढ़ी लिखी सरकार का नतीजा है। अभी अभी मैं जब आ रहा था, एक व्हाट्सएप पे आया कि इसके ये सारी काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एक पढ़ी लिखी सरकार है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और एक अनपढ़ सरकार है, उसका क्या नारा है? घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ने जाए। आम आदमी से मन की बात
और अपने भाई से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल।